कहानी की शुरुआत केसी नाम के एक आदमी से होती है जो जापान के एक डोजो में रहता था, जिसके हेडमास्टर का नाम टाकीडो था। केसी ने अपनी काबिलियत से टाकीडो और उसकी बेटी नामिको का दिल जीत लिया था और वो अक्सर नामिको के साथ ही प्रैक्टिस करता था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। टाकीडो भी इस बात को बहुत जल्द समझ गया था और इसीलिए उसने उन दोनों को सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देने को कहा। एक रात टाकीडो ने अपने कमरे में रखे एक बक्से को खोला जिसमें कई साल पुराना प्राचीन बित्सू रखा हुआ था। असल में ये एक खास सूट था जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मास्टर अपने सबसे काबिल स्टूडेंट को देता था। जापान में निंजास को 15वीं सदी से ही काफी ताकतवर योद्धा माना जाता था और समय समय पर उन्हें अलग अलग कामों के लिए चुना भी गया और निंजास अक्सर जहर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। टाकीडो जानता था कि उसके मरने के बाद उसके किसी न किसी स्टूडेंट को बित्सू की रखवाली तो करनी थी और वो कौन होगा इसका चुनाव टाकीडो को ही करना था। इसीलिए अगले दिन उसने अपने सभी स्टूडेंट्स को मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने सबके सामने बताया कि मेरे हिसाब से केसी और माजाजुका डोजो के सबसे काबिल निंजा हैं और उन्हीं में से एक को बित्सू की जिम्मेदारी दी जाएगी। पर माजाजुका इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो खुद को केसी से ज्यादा काबिल और ताकतवर मानता था और साथ ही उसे केसी और नामिको के बीच बढ़ती करीबी से भी बहुत ज्यादा जलन होती थी। वहीं दूसरी ओर केसी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद बचपन से ही डोजो में रह रहा था और उसने अपनी मेहनत से खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया था। उस दिन के बाद से ही केसी और माजाजुका अपनी अपनी तैयारी में लग गए, लेकिन केसी हर रोज देर रात तक मेहनत करता जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। लड़ाई से एक रात पहले माजाजुका ने केसी को उसके बीते हुए कल के बारे में याद दिलाकर नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी टाकीडो भी वहां पहुंच गया और उसने माजाजुका को उसकी इस गलती के लिए काफी डांट लगाई। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स के सामने टाकीडो ने केसी और माजाजुका के बीच होने वाले मुकाबले का ऐलान किया और इस मुकाबले को जीतने वाला ही डोजो और बित्सू का अगला वारिस होगा। मैच शुरू होते ही माजाजुका ने अपने दिल में भरी हुई नफरत की वजह से केसी पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया और जैसे ही टाकीडो को उसकी इस नियत के बारे में पता चला तो उसने माजाजुका को वहीं रुकने को कहा, पर वो रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने अपने एक हमले से तो लगभग केसी को जान से ही मार दिया था। पर केसी ने अपने बचाव में उसके हमले को रोककर अपनी तलवार से माजाजुका के चेहरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने बीच में आकर माजाजुका को पकड़ लिया। माजाजुका के ऐसे बर्ताव की वजह से टाकीडो ने उसे डोजो से बाहर निकालने का फैसला किया, जिससे माजाजुका बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने एक दिन पूरे डोजो से बदला लेने का वादा किया। कुछ सालों बाद यूएसए में रिंग नाम के एक खास ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, जहां उसके नए सदस्यों की छाती पर उनका निशान बनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रशिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों का रिंग के साथ एक विवाद चल रहा था और इसीलिए एक खास निंजा को कंपनी हेड्स को मारने का आदेश मिला। यह निंजा कोई और नहीं बल्कि माजाजुका ही था, जिसने बड़ी ही आसानी से अपना काम पूरा भी कर दिया। कुछ दिनों बाद डोजो में टाकीडो ने सभी लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि वो अब अपने कंधों से बित्सू की जिम्मेदारी हटाना चाहता था और उसके मुताबिक बित्सू को अब उसके अगले वारिस के हवाले करने का समय आ गया था। पर तभी माजाजुका भी वहां पहुंच गया और वो चाहता था कि टाकीडो उसे ही वो बित्सू दे, पर टाकीडो ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने माजाजुका को फौरन वहां से जाने का हुक्म दिया। माजाजुका ने उसे दोबारा याद दिलाया कि अभी तो जा रहा हूं, लेकिन बदला जरूर लूंगा। उसकी ये बात सुनकर टाकीडो समझ गया कि जल्द ही उनके ऊपर हमला होने वाला है और इसीलिए उसने बित्सू को संभालने की जिम्मेदारी केसी को दी, क्योंकि उसके मुताबिक सिर्फ केसी ही नामिको और बित्सू का ध्यान रख सकता था। जिसके बाद केसी और नामिको बित्सू को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां उन्होंने टाकीडो के एक पुराने दोस्त प्रोफेसर गैरिसन की मदद से बित्सू को एक यूनिवर्सिटी में छुपा दिया। वहीं दूसरी ओर माजाजुका अपने हमले की तैयारी कर रहा था, पर टाकीडो पहले से ही उसकी नीयत के बारे में जानता था और इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ माजाजुका का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर केसी अमेरिका में बेफिक्र होकर गैरिसन को अपने बचपन की कहानियां सुना रहा था। उसी शाम माजाजुका ने डोजो पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने सभी स्टूडेंट्स को मार गिराया, जिसके बाद वो अपने मास्टर टाकीडो के पास पहुंचा। उसे बित्सू के न्यूयॉर्क में होने की खबर नहीं थी, इसीलिए वो टाकीडो को खत्म करके बित्सू को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर थोड़ी देर बाद ही वो समझ गया कि वो इतना ताकतवर नहीं है कि टाकीडो को हरा सके। इसीलिए उसने कमरे की लाइट बंद करके अपने नाइट विजन का इस्तेमाल किया। टाकीडो भी ध्यान लगाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी माजाजुका ने उसके गले में जहर से भरी हुई सुई मार दी, जिसके बाद टाकीडो को उसे डोजो में रखने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। पर माजाजुका को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने एक ही बारी में टाकीडो को खत्म कर दिया।
उसी वक्त नामी को भी अपने पिता को फोन कर रही थी, जिसकी घंटी मासाजुका को सुनाई दी। और जब उसने फोन पर गैरिसन का नाम देखा तो वो तुरंत ही समझ गया कि बीत्सु को न्यूयॉर्क में छुपाया गया है। और उसने तुरंत ही अपने ग्रुप रिंग में फोन करके गैरिसन के बारे में पता लगाने को कहा। अगली सुबह गैरिसन के बारे में पता चलते ही मासाजुका वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म करने चला गया। इस हमले में गैरिसन और उसका पूरा परिवार मारा गया, पर केसी और नामी को फिर भी किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकले। थोड़ी देर बाद टीवी देखने पर उन्हें पता चला कि गैरिसन और उसके पूरे परिवार के कत्ल का इल्जाम उन्हीं दोनों पर लगा दिया गया था, जिस वजह से अब पुलिस उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही थी। नामी को फिर भी पुलिस से मदद लेना चाहती थी, पर केसी जानता था कि पुलिस उनकी बात सुने बिना उन्हें जेल में डाल देगी, जिसका फायदा उठाकर मासाजुका आराम से बीत्सु को चोरी कर सकता है। और इसीलिए उन्हें सबसे पहले बीत्सु को किसी महफूज जगह पर छुपाना होगा। अगली सुबह जब केसी की आंख खुली तो उसे नामी को कहीं दिखाई नहीं दी, जिस वजह से वो काफी घबरा गया और तुरंत ही मार्केट की तरफ भागा, जहां नामी को तो उसे मिल गई, पर उस कैफे के मालिक ने अखबार में उन दोनों की तस्वीर देख ली थी, जिस वजह से वो उन्हें शक की नजर से देख रहा था। पर तभी रिंग के दो आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन केसी ने उन दोनों को आसानी से हरा दिया। पर जल्द ही कुछ और लोग उनका पीछा करने लगे, जिनसे बचने के लिए वो दोनों एक ट्रेन पर चढ़ गए। पर वो आदमी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे और उन्होंने पूरी ट्रेन में उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें केसी और नामी को मिल भी गए और ट्रेन के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन उन दोनों ने भी इतने साल डोजो में झक नहीं मारी थी, वो दोनों कमाल के योद्धा थे जिन्होंने रिंग के सभी आदमियों को हरा दिया। पर जैसे ही वो दोनों अपनी जान बचाकर ट्रेन से उतरे, तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। पूछताछ के दौरान पुलिस को उनकी मासाजुका वाली बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उधर मासाजुका ने रिंग के ऑफिस में पहुंचकर केसी और बीत्सु के बारे में पूछा, जिस पर उसे जवाब मिला कि उनके पास बीत्सु का कोई सुराग नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ केसी भी अब पुलिस की हिरासत में है। ये सुनकर मासाजुका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने एक आदमी को सबके सामने मार डाला, और साथ ही उसने उन सबको जान से मारने की धमकी देते हुए जल्द से जल्द बीत्सु को ढूंढने को कहा। उसी रात मासाजुका नामिको का वकील बनकर पुलिस स्टेशन गया, जहां अंदर जाते ही उसने पुलिस स्टेशन की बिजली काट दी और अंधेरा होते ही उसने एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। उधर एक पुलिस ऑफिसर केसी को कमरे में ही बंद करके बिजली के बारे में पता करने चला गया। दूसरी तरफ दो पुलिस ऑफिसर्स नामिको को लेकर बाहर आए, पर मासाजुका ने उन्हें भी मार कर नामिको को अपना कैदी बना लिया। केसी भी किसी तरह से अपना हाथ खोल कर कमरे से बाहर निकला, लेकिन फिर उसकी नजर वहां पड़ी हुई लाशों पर गई, और उसी वक्त उसके सामने वो पुलिस ऑफिसर भी आ गया। इधर केसी वहां से भागने की कोशिश में लगा ही हुआ था कि तभी मासाजुका ने उस पर हमला कर दिया, पर केसी ने किसी तरह उस पुलिस ऑफिसर की जान बचा ली, जिसके बाद मासाजुका नामिको को लेकर वहां से भाग गया। अब वो पुलिस ऑफिसर समझ गया था कि केसी बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए उसने केसी को जाने की इजाजत दे दी। मासाजुका ने नामिको को एक अनजान जगह पर रखा हुआ था, जहां उसने उसे टाकिडो के कत्ल के बारे में बताया। उधर केसी को एक हमलावर से रिंग के बारे में पता चला, जिसके बाद वो तुरंत ही रिंग के ऑफिस में पहुंच गया, जहां कुछ आदमियों के मरने के बाद उसने रिंग के मालिक मिस्टर कॉल को कैदी बना लिया। और फिर उसने कॉल के ही फोन से मासाजुका को फोन करके एक समझौता किया, जिसके मुताबिक मासाजुका बीत्सु के बदले में नामिको को वापस करने वाला था। इसके बाद केसी तुरंत ही यूनिवर्सिटी गया, जहां उसने बीत्सु की पूजा करने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार उसे पहना। उधर मिस्टर कॉल ने अपने आदमियों को केसी और मासाजुका को जान से मारने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद मासाजुका नामिको को लेकर केसी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। जहां पहुंचते ही केसी ने बीत्सु के डब्बे को नीचे लाते हुए उसे नामिको को आजाद करने को कहा, लेकिन असल में वो डब्बा बिल्कुल खाली था, जिसे देखते ही मासाजुका गुस्से से भर गया। और तभी उसके सामने केसी आया, जिसने बीत्सु पहना हुआ था, पर उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही रिंग के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन तीनों ने एक साथ मिलकर रिंग के आदमियों का मुकाबला किया। नामिको बीत्सु में मौजूद एक खास तीर कमान का इस्तेमाल कर रही थी, और तीनों ने एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से रिंग के सभी आदमियों को खत्म कर दिया, जिसके बाद मासाजुका और केसी आपस में लड़ने लग गए। पर इसी बीच मासाजुका ने एक पाइप से नामिको को वही जहर वाली सुई मारी, जिसका इस्तेमाल उसने टाकिडो को मारने के लिए किया था, और इस जहर का एंटीडोट भी उसी के पास था, और उसने जानबूझकर केसी की आंखों के सामने वो एंटीडोट जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद मासाजुका ने खुद को गायब करने की खास निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए केसी पर हमला करने की कोशिश की, पर केसी ने जवाब में टाकिडो की ही निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मासाजुका को एक गहरा घाव दे दिया,
इसके बाद वो तुरंत ही नामिको के पास पहुंचा जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। और तभी उसे याद आया कि एक बार टाकिडो ने उसे बताया था कि बित्सू की तलवार मारने और बचाने दोनों के काम आती है। उसने तुरंत ही अपनी तलवार के हैंडल से एंटीडोट निकाला और नामिको को पिला दिया, जिसे पीते ही वो वापस होश में आ गई। वहां से जाने से पहले केसी ने मासाजुका को भी खत्म कर दिया। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आया, जिसने उन्हें बताया कि उन दोनों को गैरिसन और उसके परिवार के कत्ल में निर्दोष घोषित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मिस्टर कॉल को अरेस्ट करके रिंग के सारे ऑपरेशंस को चकनाचूर कर दिया था। जल्द ही वो दोनों वापस जापान आ गए और उन्होंने डोजो की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।